बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे, भजो राज श्याम श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारा ए। श्री महामति कहे साथ जी, भया चर्चा का बखत, अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे इन तखत, लाल आगे आए बैठे इन तखत। कौन शास्त्र में कहाँ कही है, सो हमें कहो देसाख, नई राह है तुम्हारी, सो कहो हमें विद भाख, सो कहो हमें विद भाख। श्री जी का जवाब, कही व्यास हरिवंश में, सभी सुंदर साथ के चरणों में प्रणाम। धाम धनी श्री राज जी, श्री लालदास जी के धाम हृदय में विराजमान होकर ये बीतक का वर्णन करवा रहे हैं, जिसमें कल हमने सुना कि कैसे श्री जी हरिद्वार पहुँचते हैं और चारों वैष्णव संप्रदाय के आचार्य रामानुज, निमानुज, विष्णुश्याम और माध्वाचार्य ये भी श्री जी को अपना ज्ञान सुनाते हैं। दशनाम संन्यास मत के आचार्य भी श्री जी को अपना ज्ञान सुनाते हैं। छह दर्शन के आचार्य भी श्री जी को अपना ज्ञान सुनाते हैं, लेकिन श्री जी ने एक ही बात कही थी कि मुझे वो ज्ञान चाहिए जो मेरे जीव को भव सागर से पार करा दे। और जिन सब ने अपना ज्ञान सुनाया, लेकिन सब ने सबकी मान्यताएं कहाँ की थी, इस 14 लोकों के अंदर की, यानी निराकार से आगे का ज्ञान किसी का नहीं था। कोई काल को परमात्मा मान रहा था, कोई कर्म को परमात्मा मान रहा था, कोई किसी को, कोई किसी को। श्री जी ने इन सब का ज्ञान सुना, लेकिन जब श्री जी को कोई भी संतुष्ट नहीं कर पाया, अब सारे आचार्य मिलकर विचार करते हैं कि इनका ऐसा कौन सा ज्ञान है जो जिसको ये मानते हैं, और हमने अपना सारा ज्ञान सुना दिया लेकिन फिर भी इनको इनका जवाब नहीं मिला। तब सब मिलकर कहते हैं कि हम इनको इनका ज्ञान पूछें कि इनकी मान्यता क्या है, ये सद्गुरु किसको मानते हैं, शाखा किसको मानते हैं, इनका क्षेत्र कौन सा है। ये सारी बातें सारे आचार्य मिलकर श्री जी को पूछते हैं। श्री जी कहते हैं कि आचार्य जनों, यदि आपको मेरी पहचान करनी है तो आपको हरिवंश पुराण की तरफ अपनी दृष्टि डालनी होगी। श्री जी कहते हैं कि कही व्यास हरिवंश में, हरिवंश पुराण में व्यास जी राजा जन्मेजय को ये बात सुनाते हैं। राजा जन्मेजय व्यास जी के पास जाते हैं तो व्यास जी कहते हैं राजा जन्मेजय को कि हे राजा जन्मेजय, तुझे कोढ़ होगा। राजा जन्मेजय कहते हैं कि हे ऋषि जी, ऐसा क्यों होगा मुझे। तब व्यास जी कहते हैं कि राजा, तू जंगल में शिकार खेलने जाएगा और वहाँ पर श्राप के कारण एक अप्सरा आई होगी और तू उस अप्सरा पर मोहित हो जाएगा,
तू न चाहते हुए भी उसको अपने घर लाएगा, और जब तू उसको अपने घर लाएगा तो तुझे 10,000 ब्राह्मणों को भोजन कराना पड़ेगा। और ब्राह्मणों का सिद्धांत ये होता है कि जब भोजन उनको पीसा जाता है तो वस्त्र नहीं बदलने चाहिए। और जिसको तूने पटरानी बनाया होगा वो एक अप्सरा होने के कारण उसके वस्त्र बदलते रहेंगे। और एक ब्राह्मण उसके पैर पर खीर का छींटा डाल देगा जिससे उनको पता चल जाएगा कि ये वही स्त्री है। और ब्राह्मण जब उनका भोजन भ्रष्ट हो जाएगा तो इसी कारण तुझे श्राप देंगे, और वो तुझे कोढ़ी होने का श्राप देंगे। और वो कोट ऐसा होगा कि तू यदि दूसरा जन्म लेगा तो उसमें भी तेरे साथ रहेगा। तब राजा जन्मेजय कहते हैं व्यास जी को कि इससे बचने का उपाय क्या है। तब व्यास जी कहते हैं कि राजा, तेरे जैसा भाग्यशाली भी कोई नहीं है। जन्मेजय विचार करते हैं कि एक तरफ तो मुझे कह रहे हैं कि तुझे कोढ़ होगा, और दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि तेरे जैसा भाग्यशाली भी कोई नहीं होगा, बात क्या है। तब राजा जन्मेजय जब ऐसी बात करते हैं तो व्यास जी कहते हैं कि राजा जन्मेजय, उस समय वो ब्रह्म मुनि प्रकट होंगे। हरिवंश पुराण में कहा हुआ है कि अभाविनो भविष्यन्ते मुनियो ब्रह्म रूपिणे उत्पन्नाय कलियुगे प्रधान पुरुष आस्या कथा योगेन तान सर्वान् पूज्यन्ति मानवा यस्य पूजा प्रभाविणे जीव सृष्टि समुद्रम। कि हे जन्मेजय, वो ब्रह्म मुनि प्रकट होंगे और जब अपना ब्रह्म ज्ञान फैलाएंगे तो तू उनसे जब वो ब्रह्म ज्ञान सुनेगा तो तू हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाएगा, यानी कि जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाएगा। ये बात हरिवंश पुराण में वर्णित है। इधर हरिवंश पुराण के अलावा और भी माहेश्वर तंत्र पुराण संहिता इन सब धर्म ग्रंथों में ये परब्रह्म के आने की साक्षियाँ लिखी हुई है। श्री जी कहते हैं कि आचार्य जनों, मैं आपको एक एक प्रश्न का उत्तर दूंगा, और जो इस सत्य को जानने का जिज्ञासु हो, क्योंकि सत्य को जानने के लिए जिज्ञासा का बहुत बड़ा महत्व है। यदि हमको प्यास न हो और कोई पानी पिलाएगा तो हम पानी नहीं पिएंगे, या हमको भूख नहीं है कोई कितने भी व्यंजन खिलाएगा तो उसका महत्व हमें पता नहीं चलेगा। इसलिए यदि किसी के अंदर उस सत्य को जानने की जिज्ञासा है, उस सत्य को पाने की ललक है, तो हे आचार्य जनों, आप ध्यानपूर्वक जो बातें मैं बताने जा रहा हूँ उसको सुनिएगा, क्योंकि सत्य को जानने के लिए कितने लोगों ने अपने सांसारिक सुखों को छोड़कर कोई जंगल में गया, कोई कहाँ गया, कोई कहाँ गया, लेकिन किसी को सत्य की प्राप्ति नहीं हुई। इधर श्री जी कहते हैं कि आचार्य जनों, मैं आपको श्रुति स्मृति सब धर्म ग्रंथों की साक्षी देकर अब बताने जा रहा हूँ। सतगुरु ब्रह्मानंद है, हमारे सतगुरु कौन है? ब्रह्मानंद, पर ब्रह्म के आनंद अंग हमारे सतगुरु है। क्योंकि सतगुरु कौन हो सकता है? जो सत्य को जानता है। सत्य क्या है? जो कल था आज है और अनंत काल तक रहेगा, वो है सत्य। और उस सत्य की जो पहचान कराता है वो है सद्गुरु। और हमारा सद्गुरु कोई पंचभौतिक तन नहीं है, हमारा सद्गुरु कौन है? परब्रह्म का आनंद अंग श्याम जी हमारे सद्गुरु है। सद्गुरु कौन हो सकता है कि जिसके अंदर
यदि परब्रह्म की शक्ति विराजमान होकर लीला कर रही है तब तक कोई पंचभौतिक तन भी हमारे लिए सद्गुरु हो सकता है। वैसे मूल सद्गुरु कौन है? सद्गुरु मेरा श्याम जी, मैं अहनिश चरने रहूं। लेकिन जब तक वो परब्रह्म का वे स्वरूप जिस तन के अंदर विराजमान होकर लीला करता है तब तक वो तन भी हमारे लिए सद्गुरु है। तो हमारे सद्गुरु कौन है? सद्गुरु ब्रह्मा नंद है। स्कंद पुराण में कहा गया है, ब्रह्मा नंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्त्वमसि आदि लक्ष्यम एकम नित्यम विमल मचलम सर्वदा साक्षी रूपम भावातीतम त्रिगुण रहितम सद्गुरुम तम नमामि। के जो सद्गुरु जिनका जो ब्रह्म का आनंद देने वाले हैं, जिनका हृदय आकाश के समान विशाल है, जो तीनों गुणों से परे हैं, संसार के सारे द्वंद्वों से परे हैं, उन सद्गुरु को मैं प्रणाम करता हूँ। आगे कहते हैं, सूत्र है अक्षर रूप। हमारा सूत्र कौन सा है? अक्षर रूप। धर्माचार्यों ने अपना सूत्र, किसी ने कुछ बताया था, किसी ने कुछ बताया था, कोई यज्ञोपवीत पवित को अपना सूत्र मान रहा था, लेकिन हमारा सूत्र अक्षर ब्रह्म है। क्योंकि जब तक अक्षर ब्रह्म को हम नहीं जानते हैं, अक्षरातीत का ज्ञान भी हमें नहीं होता है, तो हमारा सूत्र अक्षर ब्रह्म है। सिखा सदा इनसे परे। धर्माचार्य सिखा किसको मानते हैं? सिर के ऊपर शास्त्र के पास में कुछ बाल रख लिए जाते हैं, उसको सिखा कहा जाता है। लेकिन हमारी सिखा कौन सी है? सिखा ज्ञानमय यस्य। उस परब्रह्म ब्रह्म ज्ञान, परब्रह्म का ज्ञान ही हमारी सिखा है और हमारा यज्ञोपवीत भी वही है। चेतन चिद जो अनूप, सत चित आनंद स्वरूप ब्रह्म का ज्ञान ही हमारी सिखा है। सेवन है पुरुषोत्तम। सेवन यानी भक्ति हम किसकी करते हैं? पुरुषोत्तम की। पुरुष कितने हैं? तीन। गीता के अंदर तीन पुरुषों का वर्णन आता है, द्वाविमो पुरुषो लोके छद अक्षर एवच सर सर्वाणी भूतानि कुटस्थ अक्षर उच्यते उत्तम पुरुषत्व अनन्य परमात्मा इति उदाहित। पहला पुरुष है छद पुरुष, जो नाशवान है, महाप्रलय के अंदर जो मिट जाने वाला है। दूसरा कौन है? अक्षर पुरुष, और उससे भी परे है अक्षरातीत, जिसको उत्तम पुरुष कहते हैं। तो हम भक्ति किसकी करते हैं? उस उत्तम पुरुष अक्षरातीत की। गोत्र चिदानंद जान। हमारा गोत्र क्या है? चिदानंद। इससे पहले किसी ने अपना गोत्र कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, लेकिन श्री जी बता रहे हैं कि हमारा गोत्र क्या है? चिदानंद। सच्चिद परब्रह्म क्या है? सच्चिदानंद स्वरूप है। उस युगल स्वरूप चिदन स्वरूप भी हमारा गोत्र है। परम किशोरी इष्ट है। हमारे इष्ट कौन है? परम किशोरी। परम किशोरी यानी ब्रह्म का आनंद अंग श्यामा जी। परब्रह्म एक होते हुए भी लीला रूपों में दो है। वैसे इससे पहले धर्माचार्यों ने, किसी ने लक्ष्मी को अपना इष्ट माना, किसी ने रुक्मणी को अपना इष्ट माना, किसी ने पार्वती को अपना इष्ट माना, किसी ने सरस्वती को अपना इष्ट माना, लेकिन हमारे इष्ट कौन है? परम किशोरी श्यामा जी ही हमारे इष्ट है। पतिव्रता साधन मान। और
परब्रह्म को प्राप्त करने का जो साधन है वो कौन सा है? हमारा पतिव्रता। परब्रह्म को पति के रूप में मानकर अपने आप को एक आत्मा मानकर हम परब्रह्म की भक्ति करते हैं। गीता में भी यही बात कही गई है कि अर्जुन, यदि तू उस परब्रह्म को पाना चाहता है तो तुझे परा प्रेम लक्षणा भक्ति की राह अपनानी होगी। क्योंकि हम सखा भक्ति या कोई भी वात्सल्य भक्ति को हम नहीं करते हैं, हम परब्रह्म को अपना प्रियतम मानकर अपने आप को एक आत्मस्वरूप मानकर उनकी भक्ति करते हैं। श्री जुगल किशोर को जाप है, हम जाप किसका करते हैं? जुगल किशोर का। परमात्मा एक स्वलीला अद्वैत है, एक ही है, लेकिन जहाँ लीला का प्रसंग आता है तो वो जुगल स्वरूप है। स्वरूप एक है, लीला दो है, तो हम जाप उस युगल स्वरूप का जाप करते हैं। मंत्र तारतम सोए, हमारा मंत्र कौन सा है? तारतम। क्योंकि इस तारतम मंत्र के द्वारा ही उस परब्रह्म का ज्ञान हो पाता है। तारतमेन जानाति सच्चिदानंद लक्षणम, बिना तारतम ज्ञान के कोई भी उस परब्रह्म को नहीं जान सकता। और ये तारतम ज्ञान सबसे पहले नवतनपुरी में आया। एते दिन त्रिलोक में हुति बुद्ध सुपन, सो बुद्ध जी बुद्ध जागृत ले प्रगटे पुरी नवतन। और इस तारतम ज्ञान के द्वारा ही, जिसे हमने पहले चर्चा में सुना कि तारतम ज्ञान केवल छह चौपाइयाँ नहीं है, पूरी वाणी को तारतम कहा जाता है। और इस वाणी के द्वारा ही, इस वाणी के अंदर जो सिद्धांत है उनको ही संक्षिप में करके छह चौपाइयों का जो तारतम किया गया है। इस बिना तारतम ज्ञान के कोई भी उस परमात्मा को नहीं जान सकता। और इस तारतम ज्ञान के द्वारा ही हमें उस परमात्मा को पाना कैसे है, वो है कहाँ, लीला क्या करता है, ये सारी बातें इस तारतम ज्ञान के द्वारा ही पता चलती है। ब्रह्म विद्या देवी सही, हमारी देवी कौन सी है? ब्रह्म विद्या। विद्या दो प्रकार की होती है, एक है परा विद्या और एक है अपरा। अपरा विद्या के द्वारा भौतिक चीज़ों का ज्ञान होता है, जिसे जो आजकल पढ़ाया जाता है, इस सारी चीज़ें क्या है? अपरा विद्या, जिसको पढ़कर व्यक्ति संसारिक जीवन बिता सकता है। लेकिन उस परब्रह्म का ज्ञान देने वाली कौन सी विद्या है? परा विद्या, जो एक परब्रह्म का ज्ञान कराती है। तो हमारी देवी कौन सी है? ब्रह्म विद्या। इस ब्रह्म विद्या के द्वारा ही हमारे संसारिक कष्ट भी दूर होते हैं और हमें अखंड ज्ञान भी प्राप्त होता है। संसार के लोग किसको देवी मानते हैं? कोई सरस्वती, लक्ष्मी, पार्वती, इनके द्वारा उनका संसारिक कष्ट दूर होता है, इसलिए लोग इनको देवी मानते हैं। लेकिन हमारी देवी संसार की देवी नहीं है, हमारी देवी ब्रह्म विद्या है, जो जिसके द्वारा हमें लौकिक कष्टों से भी मुक्ति मिलती है और जिसको ग्रहण करने के बाद हमें उस ब्रह्म का भी ज्ञान मिलता है। पूरी नोतन मम जोए, हमारी पूरी द्वारकापुरी, अवंतिकापुरी या जगन्नाथपुरी हमारी पूरी नहीं है, हमारी पूरी कौन सी है? नवतनपुरी। क्योंकि नवतनपुरी में ही सबसे पहले अखंड करने वाला ज्ञान आया, ये ब्रह्म ज्ञान की शुरुआत वहीं से होती है। विक्रम संवत 1678 में, और
जैसे मैंने पहले चौपाई कही कि एते दिन त्रिलोक में हुती बुद्ध सुपन सो बुद्धि बुद्ध जागृत ले प्रगटे पूरी नौतन। इसलिए सब पुरियों में उत्तम है नौतन पुरी, और हम इस संसार की पुरियों को अपनी पुरी नहीं मानते हैं, हम नौतन पुरी को ही अपनी पुरी मानते हैं। अठोत्तर सो पख शाखा सही, अठोत्तर सौ पक 108 पक्ष हमारी शाखा है। 108 पक्ष को क्यों माना जाता है? जैसे आध्यात्मिकता में लोग माला के अंदर 108 मन के रखते हैं, लेकिन इसकी वास्तविकता क्या है शायद कोई नहीं जानता है। 108 पक्ष है, कैसे नवधा भक्ति है इस संसार में, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, ये नवधा भक्ति है। इसको करने वाले कोई पुष्टि से करता है, कोई प्रवाह से करता है, कोई मर्यादा से करता है। पुष्टि से क्या होता है, जैसे कहीं सत्संग हो रहा है तो कई लोग होते हैं कि हमें जाना है जाना है और जाना है। कई लोग क्या सोचते हैं कि यदि हम नहीं गए तो लोग क्या कहेंगे। जिनके अंदर दृढ़ निश्चय है कि हमें जाना ही है, वो क्या हो गया पुष्टि। और जो किसी की जैसे मर्यादा रखते हैं कि यदि हम नहीं गए तो लोग क्या कहेंगे, ये क्या है मर्यादा। और दूसरे कई लोग होते हैं कि बाकी लोग जा रहे हैं तो हम भी चले जाएं, ये क्या हो गया प्रवाह यानी देखा देखी। तो नौधा प्रकार की भक्ति को करने वाले तीन तरह से करते हैं, कोई पुष्टि से करता है, कोई प्रवाह से करता है, कोई मर्यादा से करता है। उसमें भी सब में तीन गुण आते हैं, सतोगुण रजोगुण और तमोगुण। नौ को तीन गुना करेंगे नौतियाँ 27, 27 को तीन गुना करेंगे तो 81। 82वां पक्ष है वल्भाचार्य जी का। वल्भाचार्य जी योग माया तक का ज्ञान रखते हैं। 83वां पक्ष है कबीर जी का, पंचवासनाओं का। और इससे परे है परम धाम के 25 पक्ष, जिसके बारे में कहा है वाणी में, धाम तालाब कुंजवन सोहे मानिक नेहरे बन की जोहे पश्चिम चौगान बड़ोवन कहिए पुखरा जी जमुना जी लहिए आठों सागर आठ जिमी के ए 25 पक्ष धाम धनी के। तो ये 25 पक्ष कहाँ है परम धाम के। 83 पक्ष यहाँ के हैं और 25 पक्ष उस परम धाम के हैं, ये मिलाकर 108 पक्ष होते हैं। इसी भाव को लेकर माला के अंदर भी 108 मन के रखे जाते हैं। और श्री जी कहते हैं कि यही अठोत्तर सौ पक शाखा सही, 108 पक्ष ही हमारी शाखा है। साला है गोलोक, साला कहते हैं जहाँ हमने अपने आराध्य के साथ निवास किया हो। तो जब 11 साल 52 दिन लीला करने के बाद जब हम योग माया में जाते हैं, वहाँ पर रासलीला करते हैं, तो हमारी गोलोक के अंदर तो हमारी साला क्या है गोलोक। सतगुरु चरण को क्षेत्र है, सतगुरु के चरण कमल ही हमारा क्षेत्र है। हमारा क्षेत्र ही संसार का क्षेत्र नहीं है। सतगुरु जैसे मैंने पहले बताया, सतगुरु की आवश्यकता क्यों पड़ती है, क्योंकि सद्गुरु ही ऐसे हैं
जिनका संबंध उस परब्रह्म से भी होता है और इस संसार से भी होता है। जैसे नदी के अंदर, नदी में जैसे पुल होता है, पुल दोनों किनारों से लगा होता है, उसी तरह सद्गुरु को परमात्मा का भी ज्ञान है और इस संसार का भी ज्ञान है। तो हमें यदि कोई समझा सकता है तो वो सद्गुरु ही समझा सकता है, और सद्गुरु कोई मानव तन नहीं, परब्रह्म जिस तन को धारण करते हैं वही हमारे लिए सद्गुरु होता है। तो श्री जी कह रहे हैं कि हमारा क्षेत्र कौन सा है, सद्गुरु चरण को क्षेत्र है। जहाँ जाए सब शोक, और उनके चरण कमल में जाने से हमारे संसार के सारे शोक मिट जाते हैं। सुख विलास माहे नित्य वृंदावन, सुख विलास का स्थान हमारा नित्य वृंदावन है, क्योंकि ब्रज से रास में हम गए थे और उस रास के अंदर हमने ही लीला की थी उस परब्रह्म के साथ, इसलिए हमारा सुख विलास का स्थान नित्य वृंदावन है। ऋषि महाविष्णु है जो, हमारे ऋषि कौन है, महाविष्णु जी, क्योंकि सबसे पहले परब्रह्म और उनकी आत्माओं को आने की साक्षी किसके द्वारा दी गई है, आदि नारायण यानी विष्णु के द्वारा, महाविष्णु के द्वारा, इसलिए हमारे ऋषि महाविष्णु है। वेद हमारो स्वसम है, संसार में चार वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। उन वेदों के अंदर मनुष्य को कैसे जीना है, कैसे आध्यात्मिक राह पर चलना है, परब्रह्म की भी संकेत के रूपों में कई बातें वर्णित हैं, लेकिन अस्पष्ट रूप से परमात्मा कहाँ है, कैसा है, उसका स्वरूप कैसा है, उसकी लीला क्या है, इसके बारे में वेदों में भी स्पष्ट रूप से वर्णन नहीं है। क्योंकि स्वसम वेद जिसको हम ब्रह्मवाणी कहते हैं, यदि ये ब्रह्मवाणी नहीं होती तो हम भी उस परमात्मा के बारे में नहीं जान सकते। क्योंकि आज हमारे पास है ये ब्रह्मवाणी, तो आज इस ब्रह्मवाणी की कीमत हम नहीं जानते हैं। संसार के भक्तों को देखो, लोग क्या क्या नहीं करते हैं, लोग केवल गंगा से पानी लाने के लिए कितने कष्टों का सेवन करते हैं, पैदल पैदल जाते हैं, कई लोग तो गंगोत्री गोमुख तक पैदल जाके वहाँ से गंगा जल लाते हैं, और मंदिरों में भी जाके देखो कितने लोगों की भीड़ होती है, कोई लेट लेट कर परिक्रमा कर रहा होता है, कोई कुछ चढ़ा रहा होता है, कोई कुछ चढ़ा रहा होता है, क्यों? क्योंकि उनको वास्तविकता का ज्ञान नहीं है। आज यदि उनको भी एक परब्रह्म का ज्ञान हो जाए, ब्रह्म ज्ञान मिल जाए, तो कभी ऐसा नहीं करेंगे। और संसार की कामनाओं की पूर्ति करने के लिए वो लोग ऐसा करते हैं, लेकिन हम भी उनसे कम नहीं है। यदि हमको ये ज्ञान नहीं मिला होता तो हम भी उन्हीं की लाइन में खड़े होते। आज हम कहते हैं कि हम परम धाम से आए हैं, परम धाम वापस जाएंगे, और सारे ब्रह्मांड को अखंड करने का दावा हम करते हैं। किस कारण से? क्योंकि हमें ये वाणी मिली है, इसलिए हम कहते हैं कि हम परम धाम की आत्माएं हैं और सारे ब्रह्मांड को हम अखंड करने के लिए आए हैं। हम कह तो देते हैं कि क्या देखी रहे हम दुनिया जो इनको न करें अखंड। ये सारी बातें इस ब्रह्मवाणी के द्वारा ही हमें पता चली है, और यदि ब्रह्मवाणी नहीं मिलती तो हम भी
उन दुनिया वालों की लाइन में खड़े होते। धाम धनी ने अखंड का ज्ञान हमें दिया है। तो सुंदर साथ इस वाणी की महिमा को भी समझे, जैसे चारों वेदों के अंदर जो बात नहीं कही गई थी वो बात ससम वेद इस ब्रह्मवाणी के अंदर है। वाणी में कह दिया है कि ब्रह्मांड माहे तातम साध एने टालियो सवनो अंधकार। यदि ये ब्रह्मवाणी नहीं आती तो सबके संशय कभी भी मिटने वाले नहीं थे। तो श्री जी कहते हैं कि वेद हमारो ससम है। हमारा वेद कौन सा है? ससम वेद है। तीरथ जमुना सोए, और हमारा तीर्थ इस संसार की जमुना नहीं है। कई लोग गंगा को तीर्थ मानते हैं, कोई कावेरी को तीर्थ मानते हैं, लेकिन हमारा तीर्थ उस परम धाम में बहने वाली जमुना जी है, जिसके प्रेम रूपी जल में स्नान करने के बाद हम उस परब्रह्म का दीदार करते हैं। तो हमारा तीर्थ क्या है? जमुना जी। शास्त्र श्रवण श्री भागवत। हमारा शास्त्र कौन सा है? भागवत। क्योंकि इस भागवत के अंदर जब हम ब्रज में आते हैं, 11 साल 52 दिन तक लीला करते हैं, इसका वर्णन किसके अंदर है? उस भागवत के अंदर। इसलिए वो हमारा शास्त्र है। बुद्ध जागृत को ज्ञान। सुंदर साहब जी दो बातें हैं। पहले कहा गया है शास्त्र श्रवण श्री भागवत, उसके बाद कहा जा रहा है कि बुद्ध जागृत को ज्ञान। कई लोग क्या करते हैं, दोनों चरण को मिला देते हैं और क्या मान लेते हैं कि भागवत ही जागृत बुद्धि का ज्ञान है, लेकिन ऐसा नहीं है। दोनों चरण अलग अलग है। पहले कहा जा रहा है कि शास्त्र श्रवण श्री भागवत। हमारा शास्त्र कौन सा है? भागवत। हम भागवत रूपी शास्त्र का श्रवण करते हैं। और हमारा ज्ञान कौन सा है? जागृत बुद्धि का। हमारा ज्ञान जागृत बुद्धि का है, जो सबसे पहले नवतनपुरी में आया। कुल मूल हमारो आनंद है, और हमारे कुल का मूल क्या है? आनंद। फल नित्य विहार प्रमाण, और उस परब्रह्म को मानने से, इस राह पर चलने से हमें फल कौन सा मिलेगा? उस परब्रह्म की लीला में हमें विहार करने को मिलेगा, उस परब्रह्म का ज्ञान होगा, उस परम धाम के 25 पक्षों का ज्ञान होगा, उस परब्रह्म का स्वरूप कैसा है, धाम कौन सा है, इन बातों का हमें पता चलेगा। दिव्य ब्रह्मपुर धाम है। हमारा धाम वैकुंठ नहीं है, क्योंकि वैकुंठ जब महाप्रलय होगा तो वैकुंठ लय को प्राप्त करेगा, लेकिन हमारा धाम कौन सा है? दिव्य ब्रह्मपुर, जिसके बारे में मुंडकोपनिषद कहता है कि दिव्य ब्रह्मपुरे ही ऐसा व्योमने आत्मा प्रतिष्ठित। क्यों? ब्रह्म कहाँ विराजमान है? उस दिव्य ब्रह्मपुर में। और हमारा धाम कौन सा है? वो दिव्य ब्रह्मपुर धाम है। घर अक्षरातीत निवास। हमारा निवास स्थान कौन सा है? जहाँ पर अक्षरातीत विराजमान है। निजानंद है संपदा। हमारी संपदा है कौन सी? निजानंद। एक बात ध्यान में रखनी होगी कि ये ज्ञान सारे ब्रह्मांड को अखंड करने के लिए आया है। इस ज्ञान को हम किसी एक परिधि के अंदर नहीं बांध सकते हैं, क्योंकि हम एक सीमा के अंदर बांध देंगे तो सारे संसार को हम अखंड कैसे करेंगे? क्योंकि धामधेनु ने कहा है कि हिंदुओं को हिंदुओं की तरह, मुस्लिम को मुस्लिम की तरह,
ए सब समझे अपने मिने जब आए इमाम आखिर। और भी कहा है कि शुद्ध अशुद्ध सबों को ए पति सब पर एक दया देत दीदार सबन को साई जिन्हों जैसा चाया। सारे ब्रह्मांड को अखंड करना है तो मुसलमानों को भी ये ज्ञान देना होगा, हिंदुओं को भी, और संसार में जितनी भी मानव जाति है उन सब के लिए ये ज्ञान है। पर इस ज्ञान को यदि हम एक सीमा के अंदर बांध लेंगे तो हमारी भूल है। लेकिन धर्माचार्यों को बताना था, इसलिए श्री जी कहते हैं कि हमारा संप्रदाय निजानंद संप्रदाय है, नहीं तो इस ज्ञान को हम एक सीमा के अंदर नहीं बांध सकते, क्योंकि इस ज्ञान पर सारे ब्रह्मांड का अधिकार है और सारे ब्रह्मांड के लिए यह ज्ञान आया है। पर पहले ब्रह्म आत्मा ग्रहण करेगी, बाद में सारा संसार इसको ग्रहण करेगा। ए उत्तर प्रश्न प्रकाश, श्री जी ने इस तरह उन धर्माचार्यों के जवाब दिए। श्री देवचंद जी निजानंद और इस निजानंद संप्रदाय को चलाने वाले कौन है? सतगुरु धनी श्री देवचंद जी। आज जैसे हमारे समाज में हम अपने आप को जैसे प्रणामी मानते हैं या कृष्ण प्रणामी मानते हैं, लेकिन हम कृष्ण प्रणामी नहीं है। पूरी बीतक में कहीं भी ये नहीं कहा गया है कि हम कृष्ण प्रणामी हैं। कौन सी संप्रदाय है? निजानंद। कृष्ण प्रणामी कहना कहाँ से शुरू हुआ? महाभारत के अंदर एक श्लोक आता है जिसमें कहा गया है, एको अपि कृष्णस्य कृतः प्रणाम दशाश्वमेध भवतेन तुल्य दशाश्वमेध पुनर्भवाय कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय। यानी कृष्ण को यदि कोई दशाश्वमेध यज्ञ कर ले तो वो दोबारा जन्म मरण के चक्कर में आएगा, लेकिन कृष्ण को प्रणाम करने वाला जन्म मरण के चक्कर में नहीं आएगा। ये महाभारत का श्लोक है और इस महाभारत के श्लोक से ही हमने कृष्ण प्रणामी धर्म चला दिया। बीतक में कहीं भी वर्णन नहीं है कि हम कृष्ण प्रणामी हैं। हमारी संप्रदाय कौन सी है? निजानन। या भात चर्चा बहुत, इस तरह श्री जी ने सब आचार्यों को एक एक प्रश्न का जवाब दिया। आचार्य जनों ने सुना तो सही लेकिन सबको अपनी अपनी प्रतिष्ठा प्यारी होती है। यदि परमात्मा और हमारे बीच में कोई सबसे बड़ी दीवार है तो हमारा अहंकार, और ये सबको प्यारा होता है। अपने अहंकार को कोई भी छोड़ना नहीं चाहता है। धर्माचार्य बात तो कहते हैं कि सही है पर फिर भी कोई स्वीकार नहीं कर पाते हैं, कोई तात्म ज्ञान ग्रहण नहीं करते हैं, क्योंकि जिस मत पंथ में कईयों की उम्र निकल जाती है तो वो सोचते हैं कि इस मत पंथ को छोड़कर हम आगे यानी दूसरा पंथ कैसे धारण कर सकते हैं। और तो और हमें डराया भी जाता है कि यदि हमने इस पंथ को छोड़कर यदि दूसरे में गए तो हमें पाप लगेगा। लेकिन मनुष्य को हमेशा अपना हृदय जिज्ञासा, अपने हृदय के अंदर जिज्ञासा रखनी चाहिए और सत्य जहाँ से भी मिलता है उसको ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो जो हमने जाना है यदि वो सही नहीं भी होगा फिर भी हम अपने अंदर संतुष्टि कर लेंगे कि जिसको जानना था मैंने जान लिया, और यदि हमारा जीवन इसी में पूरा हो गया तो हमारा जीव शायद जन्म मरण के चक्कर से मुक्त नहीं हो पाएगा। इसलिए जो चाहे जिसको भी माने लेकिन अपना हृदय खुला रखे,
कि यदि सत्य कहीं से भी मिलता है तो उस सत्य को ग्रहण करने की हिम्मत होनी चाहिए। लोग केवल परंपरावश या सिद्धांतों के वश उसको ग्रहण करने में पीछे हट जाते हैं। यहाँ पर श्री जी ने अपना सारा ज्ञान उनके सामने उडेल दिया, लेकिन फिर भी कोई तत्त्वम ज्ञान देने के लिए तैयार नहीं हुआ। यहाँ पर दो निशान और घटित होते हैं। एक तो धूमकेतु का तारा सुबह दिखाई पड़ता है, और ये जो साल था 12 महीने का न होकर 11 महीने का होता है। ये सारी साक्षियाँ घटित हुई और सबने स्थिति जी को विज्ञाभिनंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप माना भी, आरती भी उतारी, लेकिन कोई तत्त्वम ज्ञान ग्रहण नहीं कर पाया, क्योंकि एक मान लेना अलग बात है और उस पर चलना दूसरी बात है। तो मान तो लिया सबने कि आपका ज्ञान सबसे परे का ज्ञान है, लेकिन फिर इस राह में कोई भी संत आचार्य नहीं आ पाए। यहाँ से विज्ञाभिनंद की बुद्ध जी की शाखा चलती है। श्री जी ने हरिद्वार में सबके साथ साक्षात करके श्री जी ने देखा कि बिना अंकुर क्या करे, सुख लिख्या नहीं ताले माए। यदि परम धाम का अंकुर नहीं है तो सुख हम नहीं ले सकते। इतना सब कुछ होने के बाद भी आज देखिए कितने लोग ब्रह्मवाणी सुनते हैं, ब्रह्म ज्ञान सुनते हैं, लेकिन सुनने के बाद भी इसको अनसुना करते हैं। यमाचार्य ने नचकेता को कहा था, हे नचकेता, ये ब्रह्म ज्ञान पहले तो किसी को सुनने को नहीं मिलता है, सुनने मिल जाता है तो, यानी कोई सुनाने वाला मिल जाता है तो कोई सुनने वाला नहीं मिलता है, और जो हजारों लोग सुनते हैं उसमें कोई विरला इसको समझ पाता है, और हजारों यदि समझने वाले हैं तो कोई विरला इस राह पर चल पाता है। और आज ये ब्रह्म ज्ञान का खजाना हम सुंदर साथ के पास है। हम यदि सही राह में अपना जीवन धन्य धन्य करना चाहते हैं तो हमें इस वाणी के वचनों को अपने हृदय में उतारना होगा, और उस संसार को भी ये ज्ञान देना होगा। क्योंकि जो लोग आज मंदिरों पर जाते हैं या कांवड़ की यात्रा करते हैं, उनको बेचारों को कोई बताने वाला नहीं है। हाँ, अंकुर होगा तभी वो इस राह पर आ पाएंगे, लेकिन हमारा कर्तव्य है उनको बताना। क्योंकि हमने एक कॉल किया था परम धाम में, कौन सा कॉल, कि मैं भूलूँ तो तू मुझे जगा देना और तू भूले तो मैं तुझे जगा दूंगी। इसी भावना को लेकर हम तात्म में भी कहते हैं कि ऐसुक देव ब्रह्म सृष्टि को तो मैं अंगना नाद। ये भावना लेकर हमें इस ज्ञान को पहले तो स्वयं समझना होगा और सारे संसार को भी यही समझाने का प्रयास करना होगा। भले कोई जागे या न जागे ये उनकी बात है, लेकिन हमारा पहला कर्तव्य है कि हमें ये ज्ञान सुनाना ही पड़ेगा। क्योंकि ये ज्ञान कोई केवल निजानंद संप्रदाय के लिए नहीं आया है, सारे ब्रह्मांड के लिए आया है। सबको वितक की शुरू में जब चौपाई आती है तो कहा गया था जिसमें कि ये बधाई ब्रह्मांड में त्रिगुण समेत विस्तार होवे सब में चाहे रखंडे संसार, कि ये बधाई सारे ब्रह्मांड के लिए है। क्यों? कि श्यामा जी वो तात्म ज्ञान लेकर आई और इस ज्ञान के द्वारा सारा ब्रह्मांड अखंड होगा। इसलिए इस ज्ञान को हम अपने तक सीमित न रखें, औरों को भी देने की क्षमता रखें। श्री जी ने यहाँ सब धर्माचार्यों को पहले तो उनका ज्ञान सुना, फिर उनको अपना ज्ञान सुनाया, लेकिन
धर्माचार्य अपने अहंकार को नहीं छोड़ पाए, क्योंकि केवल वेशभूषा धारण कर लेना आध्यात्मिकता नहीं है, केवल भगवे वस्त्र धारण कर लेना आध्यात्मिकता नहीं है। आध्यात्मिकता यानी धार्मिक व्यक्ति वही है जिसका हृदय पवित्र है। काय वाणी में वैष्णव कहिए वाको जाकी निर्मल आत्म, निज कर्म के निकट न जावे जाए पहचान भई पारब्रह्म। तो इन परंपराओं में लगकर लगे हुए थे धर्माचार्य जी, इसलिए श्री जी की राह पर नहीं आ पाए, इस ब्रह्म ज्ञान के महत्व को नहीं समझ पाए। मान तो लिया कि ये ज्ञान सबसे ऊंचा है, आरती भी उतारी, पर श्री जी के चरणों में नहीं आ पाए, इसलिए उनको अपना अहंकार सामने आ रहा था। उनको ये लग रहा था कि हम तो इतने साल हमारी इतनी उम्र है, इतने साल तक हमने भक्ति की है, और श्री जी की वेशभूषा तो सामान्य थी, उनको जाहिरी शरीर दिख रहा था, इसलिए वो श्री जी के चरणों में नहीं आ पाए। अब श्री जी यहाँ से दिल्ली की तरफ प्रस्थान करते हैं, क्योंकि श्री जी जहाँ भी जाते हैं उनका उद्देश्य क्या है, चर्चा करना। कभी कई लोग तो रहने को जगह नहीं देते हैं, कोई बहुत सम्मान भी करते हैं तो कहीं रहने को भी जगह नहीं मिलती है, लेकिन फिर भी श्री जी जगह जगह जाकर वाणी चर्चा सुनाते हैं। एक ही बात है, कहीं न कहीं यदि परम धाम की ब्रह्म आत्मा होगी तो इस ज्ञान को सुनकर वो आ जाएगी, और परम धाम की आत्माओं को ज़्यादा सुनाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, उसके सब कानों में कुछ शब्द भी पड़ जाएंगे तो वो जाग जाएगी। क्या कहा है वाणी में, बहुत पुकार करूं किस खातिर, ये सब सुपन स्वरूप बेहद बनज का होएगा साथी, सो एक लव्य हो सी टुक टुक। खाली एक शब्द ही काफ़ी है, एक शब्द भी यदि उसकी समझ में आ गया तो वो इस राह पर आ जाएगा, नहीं तो दुनिया को परमात्मा नहीं चाहिए, दुनिया को संसार के सुख चाहिए। आज भी आप देखो तो लोग मंदिरों में जाते जरूर हैं, लेकिन वो परमात्मा के लिए नहीं जाते हैं। क्या करने जाते हैं, अपनी इच्छा, अपनी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए जाते हैं। कई लोग देवी के मंदिर में जाकर कोई नारियल चढ़ाता है, कोई कुछ चढ़ाता है, और मांग रखते हैं कि मेरी ये इच्छा है, ये काम हो जाना चाहिए। कोई मिठाई चढ़ाता है तभी भी ये मनोकामना रखता है कि मेरी ये इच्छा पूरी हो जानी चाहिए। इसलिए धामधनी कहते हैं कि साधु कहर कही करामत, कि दुनिया को परमात्मा नहीं चाहिए, उनको क्या चाहिए, चमत्कार। आज यदि यहाँ कोई ऐसा संत आ जाए जो चमत्कार दिखा दे तो फिर देखना वहाँ कितने लोग पहुँच जाएंगे। और दुनिया क्या है, चीटी हार ऊंट कतार, देखेंगे कि ज़्यादा भीड़ कहाँ है, जहाँ सबसे ज़्यादा भीड़ होगी वहाँ लोग खींचे चले जाएंगे। कभी ये भी नहीं सोचेंगे कि ज्ञान कौन सा दिया जा रहा है, क्या जिनके पास हम जा रहे हैं ये ज्ञान सुनने से हमें मुक्ति मिलेगी भी या नहीं, हमें परमात्मा के दीदार होंगे भी या नहीं, लेकिन फिर भी दुनिया चीटी हार ऊंट कतार की तरह चली जाती है। यहाँ दुनिया वालों को यदि दुनिया जिस संसार के सुखों में डूबी है, जिसको माया कहते हैं, माया हमें सावधान कर रही है कि मेरे पास तो कुछ नहीं है, क्योंकि यदि कोई संसार के सुखों के पीछे भागता है तो उसको भागने से उसको पता चलता है कि इसमें तो कुछ भी नहीं है, लेकिन जब वो उस स्थिति तक पहुंचता है तब उसको पता चलता है इसमें कुछ भी नहीं है। फिर दूसरी चीज़ के पीछे भागता है, उसमें भागने पर भी जब उसको कुछ नहीं मिलता है
तब उसको पता चल जाता है कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी मनुष्य सावधान नहीं होता है। हम सब जानते हैं, सारा संसार जानता है कि जिसने ये मानव तन धारण किया है उसको एक न दिन ये मानव तन छोड़कर जाना होगा। लेकिन फिर भी हम काम कैसे करते हैं कि जिससे हमें कभी मरना ही नहीं पड़ेगा। यक्ष ने पूछा था युधिष्ठिर से, युधिष्ठिर सबसे बड़ी आश्चर्य की वस्तु क्या है? तब युधिष्ठिर ने कहा था कि सबसे बड़ी आश्चर्य की बात यह है कि इंसान जानता है कि मैं भी एक दिन मरने वाला हूँ, लेकिन फिर भी वो काम ऐसे करता है कि जैसे कभी मरना ही नहीं है। हम सब भी उसी लाइन में हैं। कई लोग कहते हैं कि अभी भक्ति करने की आवश्यकता क्या है, जब उम्र होगी तो भक्ति कर लेंगे। लेकिन क्या अवृत्त होने के बाद हम भक्ति कर सकते हैं? शरीर में बैठने के लिए ताकत ही नहीं रहेगी तो हम भक्ति कैसे करेंगे? जब शरीर में ताकत थी तब तो हमने भक्ति नहीं की। यदि बचपन में या युवावस्था में हम भक्ति नहीं करते हैं तो आगे भी संभव नहीं है। इसलिए धर्म ग्रंथ भी हमें पुकार पुकार कर कहते हैं कि मानव अभी और इसी समय तुझे अपना रास्ता चुन लेना होगा, तुझे कौन सी राह पर चलना है, क्योंकि जब समय बीत जाएगा तो फिर कुछ भी होने वाला नहीं है। धर्म ग्रंथ कहते हैं यावत स्वस्थम इदम देहम यावत जरा दुर्तो तावत आत्महितम कुर्यात प्राणांते किम करिष्यसि। कि रे मानव, जब तक तेरा शरीर स्वस्थ है, जब तक बुढ़ापा तेरे से दूर है, तब तक तू परमात्मा की भक्ति कर ले, और जब उम्र बीत जाएगी तो बाद में परमात्मा की भक्ति होने वाली नहीं है। क्योंकि जब घर में आग लगने के बाद हम कुआं खोदने जाएंगे तो आग को बुझा पाएंगे? नहीं। फिर तो घर जल ही जाएगा। इसलिए जितना समय हमारे पास बचा है इसके एक एक क्षण का उपयोग कर लें, क्योंकि करोड़ों रुपए भी देखकर यदि हम सोचेंगे कि एक क्षण वापस आ जाए तो वो क्षण वापस आने वाला नहीं है। जो हाथ से निकल गया वो निकल ही गया है, और हम अभी तक किसकी बात देख रहे हैं? इसलिए ज्ञान हमें जिस राह पर चलने के लिए इंगित करता है उस राह पर हमें चलना ही पड़ेगा। केवल सुनने से भी कोई काम होने वाला नहीं है। ज्ञान को अपने आचरण में लाना ही होगा, और समय की भी प्रतीक्षा नहीं करनी है कि आज नहीं कल कर लेंगे। कल नहीं करना है, आज ही करना है। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी बहुरी करेगो कब। अभी जैसे मेरी सांसें चल रही है, इसके आगे मेरी सांस निकली तो दोबारा अंदर आएगी कि नहीं आएगी इसका मुझे भी नहीं पता, लेकिन फिर भी हम किसकी बात देखते हैं? इसलिए हर सुंदर साथ को और हर मानव को अपने हित में विचार करना होगा कि जितना समय मेरे पास बचा है इसको मैं आध्यात्मिक राह में, यानी उस परब्रह्म को पाने की राह में लगा दूं, ताकि मेरा जो जीवन है, मेरा जो जीव है, वो भव सागर से पार हो जाए। नहीं तो जब तक हमारे अंदर संसार के सुखों की इच्छा बनी रहेगी तब तक ये जीव इसी जन्म मरण के चक्कर में भटकता ही रहेगा।
इसी इच्छाओं के कारण तो ही बार बार जीव जन्म लेता है और मरता है। कितने तनों को धारण करता है, कभी पशु की योनि में जाता है, कभी पक्षी की योनि में जाता है, और इस मानव तन को पार करके भी यदि हमने जीव को भव सागर से पार नहीं किया तो हमारी सबसे बड़ी नादानी यही होगी। मान के देह अखंड फल पाइए, सो क्यों पाए के विथा गमाइए, ए तो अदखिन को अवसर सो गमावत माज नींदर। मनुष्य तन किस लिए मिला है? परमात्मा को प्राप्त करने के लिए। और यदि इस मानव तन को पा करके भी यदि हमने परमात्मा को नहीं पाया तो हमारा जीवन व्यर्थ है। ज़्यादा लंबा समय जीना कोई बड़ी बात नहीं है, भले हम कम जिए, कम सालों की हमारी उम्र हो, लेकिन हमारा जो मेन उद्देश्य है परब्रह्म को पाना, उसके तरफ हमारे कदम बढ़ाने होंगे। आज हमने जितना इस ज्ञान को समझा, जितना हमें समझ आई, उतना औरों को भी समझाने का प्रयास हमें करना पड़ेगा, क्योंकि बेचारे संसार के जीवों को क्या पता, उनका भी क्या दोष, उनको यदि कोई यह ज्ञान देता तो वो भी शायद आज राह से भटके हुए नहीं होते। इसलिए हमारा उत्तरदायित्व है और वो हर सुंदर साथ को पूरा करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमने पहले से ही वादा किया हुआ है ए सुखदेव ब्रह्म सृष्टि को तो मैं अंगना नार। इधर श्री जी हरिद्वार से दिल्ली आते हैं, दिल्ली में आकर के पुनः औरंगजेब को जगाने का प्रयास किया जाता है, क्योंकि श्री जी का उद्देश्य है कि औरंगजेब के अंदर शाकुमार की आत्मा है, और यदि औरंगजेब जागृत हो गया तो वो हिंदुओं पर अत्याचार करना छोड़ देगा, क्योंकि औरंगजेब ने कितने मंदिर तुड़वाए, कितने हिंदुओं का गला काटा, किस लिए? वो मंदिर में जाकर इमाम मेहंदी चिल्लाता था, जब वहाँ से कोई उत्तर नहीं मिलता था तो मंदिर को तुड़वा देता था। उसने इमाम मेहंदी को खोजने के लिए जो तरीका अपनाया, ये तरीका गलत था, और इस की वजह से बेचारे कितने लोगों को अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ा। तो श्री जी यही चाहते हैं कि यदि औरंगजेब को पता चल गया और उन्होंने अकुल इमाम मोहम्मद मेहंदी की पहचान कर ली तो यह अत्याचार करना छोड़ देगा, इसलिए श्री जी उसको बार बार जगाने का प्रयास करते हैं। दिल्ली में आकर श्री जी क्यामत के साथ निशानों के ऊपर विचार विमर्श किया जाता है, क्योंकि औरंगजेब तक ये बात पहुंचानी है, किसी भी तरह वो बात पहुंचे जिससे औरंगजेब जागृत हो। क़यामत के साथ निशान इस प्रकार है, एक तो आजूज माजूज का जाहिर होना, दाबतुल अज नामक जानवर का प्रकट होना, काने दज्जाल का गधे पर सवार होकर आना, अखरुल मोहम्मद मेहंदी का आना, इसारुल्लाह का आना, अस्ताफिल जबराइल का आना, इस क़यामत के साथ निशान होते हैं जिसका वर्णन उस रुके में विस्तार से किया जाता है। क़यामत के साथ निशानों के द्वारा यह बताया जाता है कि औरंगजेब तुम जिस अखरुल इमाम मेहंदी की मोहम्मद मेहंदी की बाट देख रहे हो वो आ चुके हैं, लेकिन तुम्हारी अंधी आँखें उनकी पहचान नहीं कर पा रही है।
अब श्री जी का एक ही उद्देश्य है किसी भी तरह औरंगजेब को ये बात पता चले। आजूज माजूज कहते हैं दिन और रात को, उसकी तीन फौजें हैं तुला तांबा और सांबा, यानी ये जैसे सुबह दोपहर और शाम। बताया जाता है ये अष्ट धातु की दीवार है जिसको चाट कर आजूज माजूज यानी दिन और रात, इसके आगे क्या है दातुल अज नाम का जानवर। दातुल अज नामक जानवर क्या है, जिसका छाती शेर की, पीठ गिदड़ की, आंखें सुअर की, कान हाथी के और सिर पर पहाड़ी बैल के सिंह, और जिसकी शक्ल किसकी जैसी होगी इंसान की जैसी। अब क्या है आंखें सुअर की, ऐसा कोई जानवर न कभी हुआ है न कभी होगा। लेकिन जब आखरुल जमा इमाम मोहम्मद मेहंदी आएंगे उस समय इंसान के अंदर ये प्रवृत्तियाँ आ जाएगी, कैसी दातुल अज नामक जानवर जैसी। क्योंकि आंखें सुअर की इसलिए कि सुअर हमेशा गंदगी की ओर ही देखता है। सुअर के सामने आप कितने भी स्वादिष्ट से स्वादिष्ट व्यंजन रखेंगे वो उसको नहीं देखेगा, उसकी नज़र हमेशा गंदगी की तरफ ही होगी। इसलिए जब आखुल मोहम्मद मेहंदी आएंगे उस समय इंसान की प्रवृत्ति भी ऐसी हो जाएगी। इसलिए क्या कहा गया है कि आँखें सुअर की होगी, कान हाथी के होंगे। कान हाथी के इसलिए हाथी की आप कितनी भी प्रशंसा करेंगे उसको नहीं सुनाई पड़ेगा, लेकिन यदि आपने एक दो शब्द भी उसकी निंदा में बोल दिए तो हाथी उसको सुन लेता है और शायद आपके लिए बचना भी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए इंसान की प्रवृत्ति क्या है, इंसान को आप कितनी भी अच्छी बातें सुनाओ वो अच्छी बातें नहीं सुनेगा, लेकिन जहाँ आपने उसकी निंदा की उसके कान खड़े हो जाते हैं। कोई दूर से भी यदि अपने बारे में थोड़ा सा भी कोई शब्द बोलता है तो कान वहीं पर टिक जाते हैं। यानी इंसान की प्रवृत्ति कैसी है, वो अच्छी बातों को नहीं सुनता है और बुरी बातों को जल्दी ग्रहण कर सुनता है। इसलिए क्या कहा गया है कान किसके हैं हाथी के। सिर पर पहाड़ी बैल के सिंह, सिर पर पहाड़ी बैल के सिंह इसलिए आज आपने देखा होगा कई लोग अपनी प्रतिष्ठा के लिए, जैसे पहाड़ी बैल क्या होता है कभी इधर सिंह मारता है कभी इधर सिंह मारता है, इंसान की प्रवृत्ति भी ऐसी है, लोग प्रतिष्ठा के लिए क्या क्या नहीं करते हैं आपने देखा होगा। जहाँ अपनी बात यदि कहीं झुकना पड़ गया या झुकने जैसी हो तो अपनी बात को ऊपर रखने के लिए यानी अपनी प्रतिष्ठा के लिए लोग क्या क्या कर जाते हैं, तो ये क्या है इंसान की प्रवृत्ति ऐसी है कि उसके ऊपर क्या है पहाड़ी बैल के सिंह है। छाती किसकी है शेर की, शेर की छाती इसलिए कि व्यक्ति का हृदय इतना क्रूर हो जाएगा। आज आपने सुना है जैसे जो लोग आतंकवाद होते हैं छोटे बच्चों को भी गोली मारने से उनका हृदय नहीं पसीजता है, बड़े तो बड़े लेकिन जो बेचारे सात सात आठ आठ साल के बच्चों को भी वो गोलियों से उड़ा देते हैं तो क्या है छाती क्या है शेर की। इंसान के अंदर ये प्रवृत्ति है इतनी क्रूरता है। और तो और जैसे बताया जाता है कि कई बड़ी होटलों में छोटे बच्चों का मांस भी खाया जाता है तो ये क्या है ये इंसानियत है।
ये इंसानियत नहीं है, ये जानवर जैसी प्रवृत्ति है। इसलिए उस दाबतुलज नाम के जानवर की छाती किसकी है? शेर की। लेकिन वो उस जानवर की छाती नहीं है, हमारी छाती ही शेर की है। यानी हमारा हृदय ही इतना क्रूर हो गया है और दूसरे को दुख देने में हम जरा सा भी नहीं हिचकिचाते हैं। अपना काम बनना चाहिए बस, उसके बदले में दूसरों को कितने दुख मिलते हैं इसकी परवाह हमें नहीं होती है। अगे पीठ गिदड़ की, गिदड़ की पीठ इसलिए इंसान पैसे खर्च करने में जैसे जहाँ अपनी प्रतिष्ठा की बात होती है तो यहाँ वहाँ कई लाख ऐसे ही खर्च कर देगा। जब शादी विवाह की बात होती है तो लोग अपनी बात को ऊपर रखने के लिए कई लाख करोड़ तक खर्च कर देंगे। लेकिन जहाँ कहीं आध्यात्मिक जगह पर या सेवा की बात आती है, लोग अपना हाथ पीछे खींचते हैं। इसलिए क्या कहा गया है कि पीठ गिदड़ की। गिदड़ की पीठ बताया जाता है कि इतनी कमज़ोर होती है, उसके ऊपर यदि एक मुक्का कोई जोर से मार देगा तो वो उसकी रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी। यानी इंसान की प्रवृत्ति ये बन जाएगी कि इंसान धार्मिक उसमें खर्च करना नहीं चाहेगा और केवल प्रतिष्ठा के लिए चाहे जितना भी खर्च करे उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब काने दज्जाल का गधे पर सवार होकर आना, ये और वो गधा इतना बड़ा होगा कि निराकार तक होगा, पृथ्वी से पाताल से लेकर, जिससे पृथ्वी से लेकर निराकार तक। इंसान यानी जो भी है उनकी प्रवृत्ति ऐसी है, तो जो क़यामत के साथ निशान है उसमें ये बात कहेगी कि दज्जाल काने गधे पर सवार होकर आएगा। यानी उसके अंदर ज्ञान दृष्टि नहीं होगी। इंसानों के अंदर कौन सी दृष्टि होगी? केवल बाहरी ज्ञान दृष्टि, जो मतलब एक ज्ञान को ग्रहण करने वाली दृष्टि है, वो उनके अंदर नहीं होगी। इसी को कहा गया है यानी गधे पर सवार होकर काने दज्जाल का आना। आगे इसारू अल्लाह का आना, अखरुल मोहम्मद मेहंदी का आना, अस्ताफिल और जब्राइल का आना, ये क़यामत के साथ निशान है जिसको उस रुको के अंदर लिखा जाता है। और औरंगजेब तक पहुंचाने का प्रयास किया जाता है, लेकिन इससे पहले श्री जी लाल दाची और गोवर्धन भाई को एक मुल्ला के पास भेजते हैं कि लाल दाची आप मस्जिद में जाइए और किसी काजी मुल्ला से पूछिए कि क्या कुरान में भी हमारी बातें हैं। लाल दाची और गोवर्धन भाई जाते हैं एक काजी के पास और कहते हैं, काजी को पूछते हैं। तब काजी जब वर्णन करके बताता है तो लाल दाची को पता चल जाता है कि कुरान के अंदर भी हमारी बातों का यानी परम धाम की साक्षियों का वर्णन है। इधर लाल दाची बहुत प्रसन्न होते हैं कि श्री जी को ये बात बतानी है, लेकिन गोवर्धन भाई कहते हैं कि लाल दाची यदि आपने श्री जी को ये बात बताई तो जाना तो हमें पड़ेगा औरंगजेब के पास, और औरंगजेब के पास जाना यानी अपनी मौत को निमंत्रण देना। लाल दाची कहते हैं कि गोवर्धन भाई आप कैसी बातें कर रहे हो, हमें तो खुशी होनी चाहिए कि हमारी साक्षियाँ कुरान के अंदर भी वर्णित है। लेकिन लाल दाची कहते हैं कि गोवर्धन भाई भले आप
न बताओ, लेकिन मैं तो श्री जी को अवश्य बताऊंगा। यही कहकर गोवर्धन भाई लालदास जी चल पड़ते हैं। इधर गोवर्धन भाई लालदास जी से पहले आ जाते हैं श्री जी के पास और श्री जी को कहते हैं कि श्री जी, कुरान के अंदर हमारी सारी साक्षियाँ वर्णित हैं। इतने में लालदास जी आते हैं। लालदास जी कहते हैं श्री जी को कि श्री जी, हमारा ईमान केवल चटाई पर है। यानी जब हम आपके सामने होते हैं तो कुछ और होते हैं, और जब आपके सामने नहीं होते हैं तो हम कुछ और होते हैं। गोवर्धन भाई समझ जाते हैं कि बात क्या है, और वहीं पर लालदास जी को कहते हैं कि आप तो मुझे कह रहे हो, और वहीं पर विवाद हो जाता है। जब श्री जी उस समय अटारी पर बैठे होते हैं, दोनों लालदास जी गोवर्धन दास जी आपस में विवाद करते हैं, तो श्री जी जब ये देखते हैं तो श्री जी को जोश आता है और श्री जी कहते हैं कि मुझे अब जागने का काम नहीं करना है। जिसके भरोसे मैं ये झंडा लेकर चला हूँ, यानी ये मिशन लेकर चला हूँ, जब वही इस प्रकार झगड़ा करेंगे तो ये कार्य कैसे होगा। श्री जी को जोश आता है और श्री जी का चेहरा प्रकाश यानी थमथमा जाता है, गुस्सा नहीं आता है, लेकिन उस समय श्री जी को आवेश आता है और श्री जी कहते हैं कि अब मुझे ये जागने का कार्य नहीं करना है। और लालदास जी और भी कई सुंदर साथ जैसे शेख बदल जी को हुक्म की शक्ति देते हैं, मुकुंददास जी को तातम की शक्ति देते हैं, लालदास जी को सारे धर्म ग्रंथों का भेद खोलने का आशीर्वाद देते हैं और गोवर्धन भाई को सूरत भेज देते हैं। इन सबको भेज कर श्री जी कहते हैं कि मैं अनूप शहर जा रहा हूँ। अब श्री जी अनूप शहर के लिए चल देते हैं। अनूप शहर एक ऊंट गाड़ी पर बैठकर श्री जी जाते हैं, साथ में लाल भाई भी होती है। इधर जाते समय बीच में श्री जी का पेट छूटना यानी श्री जी की तबीयत खराब होती है। जब तबीयत बिगड़ती है श्री जी की, लाल भाई जब ये स्थिति देखती है तो लाल भाई रोने लगती है कि धामधनी ये क्या हो गया। श्री जी लाल भाई को सांत्वना देते हैं कि लाल भाई अभी मेरा परमधाम जाने का समय नहीं आया है, अभी तो बहुत सारी सेवा बाकी है, अभी मैं तन छोड़ने वाला नहीं हूँ। श्री जी लाल भाई को धीरज बंधाते हैं और मानिक भाई औषधि देते हैं। जब औषधि खाने के बाद कुछ समय बाद श्री जी की तबीयत ठीक होती है। यहाँ पर जब श्री जी दिल्ली से अनूप शहर जाते हैं तो सनंद ग्रंथ का अवतरण होता है, जिस सनंद में कुरान के सारे भेदों को खोल दिया गया है, क्योंकि कुरान के अंदर बातें तो काफ़ी हद तक सही कही हुई है, लेकिन उनको पढ़ने वाले अर्थ कुछ और लेते हैं और इसीलिए झगड़े का कारण बना है। नहीं तो कुरान में कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो काजी मुल्ले हैं उनको और ढंग से समझते हैं और कई बातें जिसे काजी मुल्ला भले कहते हैं कि हमारी कुरान शुद्ध है, इसमें कोई भी एक शब्द भी मिलावट नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। काजी मुल्लाओं ने कुरान के अंदर भी कई आयतें मिलाई हैं और जो आयतें मिलाई गई है वही आयतें झगड़े का कारण है। नहीं तो कुरान एक जबराइल के द्वारा कहा हुआ था, लेकिन काजी मुल्लाओं ने उसके अंदर कई आयतें मिला दी जिसके कारण आज सारा मुसलमान समाज भटक चुका है।
यहाँ पर कुरान के अंदर 30 सिपारे हैं, उन 30 सिपारों का खुलासा सनन ग्रंथ में 30 प्रकरणों में श्री जी कर देते हैं। क्योंकि हिंदू धर्म ग्रंथों के अंदर जो बात कही हुई है वही बात कतेक पक्ष के अंदर भी कही हुई है, फर्क क्या है, भाषा का, भाषा का फर्क होने के कारण लोग कुरान के प्रति घृणा भी करते हैं कई लोग। और घृणा का कारण है कि जो मिलाई हुई आयतें, नहीं तो यदि आज सारा मुसलमान समाज यदि एक सत्य को मानता होता तो कभी भी जैसे आतंकवाद की या लड़ने की बात वो लोग नहीं करते, या जिन पशुओं की वो बलि चढ़ाते हैं उसको भी छोड़ देते हैं। क्योंकि कहा यह जाता है कि मोहम्मद साहब ने कभी भी अपने जीवन में मांस नहीं खाया, लेकिन आज सारे मुसलमान यदि कोई मांस नहीं खाता है तो उसको मुसलमान नहीं माना जाता है। बेचारे कितने पशुओं को मार करके वो लोग अपना पेट भरते हैं। परमात्मा ने खाने के लिए बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं, फल है, सब्जियां हैं, और इंसान का शरीर फल और सब्जियों को ही पचा सकता है। मांस खाने के बाद तरह तरह की बीमारियां शरीर में होती है, क्योंकि मांस मनुष्य के शरीर के लिए नहीं बना है। और यदि आज आप अस्पतालों में देखेंगे तो अधिकतर लोग वही बीमार होते हैं जो मांस का अधिक सेवन करते हैं। कि जो लोग मांस खाते हैं उसको पचा नहीं पाते हैं और तरह तरह की बीमारियां उनको घेर लेती है। इधर कुरान के अंदर जैसे कई बातें मिलाने के कारण, आयतें मिलाने के कारण ही ये सारी बातें हो रही है, नहीं तो आज सारी मानव जाति एक सत्य की राह पर चलने वाली होती। और आज भी यदि मुसलमान उस आखिर मोहम्मद मेहंदी की पहचान कर ले और हिंदू भी एक परब्रह्म की पहचान कर ले तो सारा मानव समाज एक झंडे के नीचे आ जाएगा, और सारी मानव जाति को एक झंडे के नीचे लाने वाला ज्ञान हमारे पास है, तात्म ज्ञान। क्योंकि हम ही मुसलमानों को भी समझा सकते हैं, हिंदुओं को भी उनके धर्म ग्रंथों से समझा सकते हैं, और सारी दुनिया को एक झंडे के नीचे ला सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमें प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि यदि हमने प्रयास नहीं किया तो हमें भी दोष लगेगा। और दुनिया कहेगी जब हम योग माया के ब्रह्मांड में जाएंगे तो लोग जिनको ये ज्ञान नहीं मिला वो कहेंगे आपको ये ज्ञान मिला था तो आपने हम तक क्यों नहीं पहुंचाया। उस समय हमारा सिर नीचा होगा, और यदि हमने इस ज्ञान को फैलाया तो हमारा सिर भी ऊंचा होगा। क्योंकि मनुष्य गलती क्यों करता है, क्योंकि उसको सत्य का ज्ञान नहीं होता है। जिस दिन ज्ञान हो जाएगा शायद वो गलती करना छोड़ देगा। इसलिए श्री जी ने कुरान का खुलासा कर दिया सनंद ग्रंथ के माध्यम से। उसमें भी श्री जी जब अनूप शहर पहुँचते हैं, अनूप शहर जाने के बाद श्री जी वापस दिल्ली आते हैं, ये सारी चर्चा हम कल सुनेंगे। सुंदर साहब से प्रार्थना है, जैसे हमें इतने दिन हो गए बीतक सुनते सुनते, हमने कई सारी बातें सुनी है, जो बातें हमने सुनी है जो भी हमें पता है उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। क्योंकि यदि उसको हमने अपने जीवन में उतारा तभी वो हमारा है, नहीं तो वो हमारा नहीं है। यदि वो ज्ञान हमारे जीवन में नहीं उतरा तो किताबों में तो बहुत ज्ञान भरा पड़ा है, उससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। इसलिए भले थोड़ा सुने लेकिन जितना सुने जितना समझे उस पर चलने का प्रयास करें, तभी हमारा जीवन धन्य धन्य हो पाएगा। अब श्री जी अनूप शहर से वापस
दिल्ली आएंगे और दिल्ली में आकर कैसे औरंगजेब तक वो दुख के पहुँचाए जाते हैं, ये सारी चर्चा हम कल सुनेंगे। अब चौपाई दोहराएंगे। महामत कहे ए मोमिनो, याद करो हजरत, जो लड़ाई तुम करी कायम करने कयामत, कायम करने कयामत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय।